तो गाइज यहाँ पे इंडिया ने हमारा पहला विकेट यहाँ पे गंवा दिया है। गाइज ये जो पहला विकेट है केएल राहुल के रूप में आया है, जो कि इंडिया के लिए पहला झटका साबित हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से न्यू गेंदबाज मॉर्फी ने ये विकेट हासिल किया, जिन्होंने कॉटन बॉल्ड किया था केएल राहुल को। तो मॉर्फी के लिए पहला विकेट था, मेडन विकेट था, वो पहला मैच खेल रहे थे इंडिया के अंदर और इनका करियर का भी पहला मैच था। गाइज अगर आप भी चाहते हैं कि इंडिया टीम इस मैच में अच्छा करे तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इंडिया का जो पहला विकेट है 76 रन पे गिर चुका है यहाँ पे, और अब जो है इंडिया का स्कोर जो है वो सिंपल से 77 रन पे एक विकेट हो गया और 24 ओवर इंडिया ने खेले। इंडिया का कोई भी विकेट और नहीं गिरा आज के दिन पे और आज का दिन यहाँ समाप्त हो गया। केएल राहुल काफ़ी निराश दिखे। केएल राहुल के साथ साथ यहाँ पे हम बात कर लें तो रोहित शर्मा की भी काफ़ी अजब ही रिएक्शन आपको देखने को मिले, तो वो रिएक्शन भी हम आपको इस क्लिप में दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे इंडिया का सिंपल सा पहला विकेट गिर चुका है। तो गाइस इसके बाद नाइट वॉचमैन की तरह आए खेलने अजमेर अश्विन ने, काफ़ी अच्छे से इंडिया की पारी को संभाला और कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स खुला है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अब इंडिया की तरफ से कौन सा खिलाड़ी सेंचुरी लगाने वाला है वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो रोहित शर्मा का रिएक्शन कुछ इस टाइप से था जब केएल राहुल आउट हुए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।